राज्यसभा में आज चर्चा के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को जमकर सुना दिया। दरअसल चर्चा के बीच में विपक्ष विनेश फोगाट का मुद्दा उठाना चाह रहा था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम फोगाट के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं कि कैसे उनको अयोग्य घोषित किया गया। हम सब इस लड़की के लिए आहत हैं। इसी दौरान ब्रायन कुछ जोर जोर से बोलने लगे। इस पर धनखड़ ने लगभग चीखते हुए कहा कि मिस्टर डेरेक ओ ब्रायन, आप चेयर का अनादर कर रहे हैं। मैं अगली बार आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। विपक्ष के व्यवहार से आहत होकर सभापति धनखड़ चेयर छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो हाथ जोड़कर चेयर छोड़कर चले गए। डिमांड टू एस्टेब्लिश डिफेंस मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। सभापति महोदय, सर, दिस इज रिक्वेस्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग डिफेंस मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल एमआरओ हब इन अंबाला। आज मैं आपके सामने अंबाला और आसपास के लोगों से लंबे समय मिस्टर डेरेक ओ ब्रायन मांग को लेकर हाजिर हूं। यू आर शाउटिंग एट द चेयर। योर कंडक्ट इज अग्लीस्ट इन द हाउस। यू आर शाउटिंग एट द चेयर। आई कंडेम योर एक्शन। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू द डोर। हाउ डेयर यू शाउट एट द चेयर एंड सीनियर लीडर्स आर नॉट टेकिंग नोट ऑफ इट। दिस इज अनबिकमिंग कंडक्ट। I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there. In June 1975, a serious challenge here. I am sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are loan to themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain. Because of our girl, entire nation is feeling the pain, right from the president to the prime minister to myself and many more. Everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner.